हेलो बच्चों, हाउ आर यू। शैलेश सर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसके अंदर हमने संबद्ध गुणधर्म, उसके अलावा क्रमणीयता, सहचार्यता, और आज हम पढ़ेंगे लास्ट जो गुणधर्म है परिमेय संख्याओं का, वितरकता वाला गुणधर्म, जिसे हम वितरकता गुणधर्म कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वितरकता गुणधर्म क्या होता है, और साथ ही आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किस तरह से क्वेश्चन हो पाते हैं, आंसर आ पाते हैं। आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए गुणन पर योग की वितरकता। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, यदि दो परिमेय संख्याएं में दो कोई पूर्णांक ले लेता हूं, पहले जैसे यहाँ पे 3 ले लेता हूं और 5 ले लेता हूं, और इनकी जो गुणा है मुझे 2 से करनी है। मान लीजिए मैं इस प्रकार से ले लेता हूं, 2 से इनकी मुझे गुणा करनी है। मैंने 2 पूर्णांक लिए, 1 लिया 3, प्लस में लिया 5, और उनकी गुणा करनी है मुझे 2 से। तो पहले मैं क्या करता हूं, तो देखेंगे इसे मैं कोष्ठक में बंद करता हूं कि 2 × में पड़ा है, 5 × 3 = 8 होता है, और 8 × 16 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इसी सवाल को कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, 2 पूर्णांक है 3 + 5 और गुणा में है 2, तो इस 2 की गुणा पहले 3 से करो, और 2 की ही गुणा पहले 5 से करो। पहले 2 की गुणा 3 से करो, और 2 ही की गुणा जो है 5 से करो। तो 2 की गुणा अगर अपने 3 से करते हैं, 2 × 3, प्लस में पड़ा है, और 2 की गुणा 5 से करते हैं, तो 2 × 5 = 2 × 5, 2 × 3 = 6, और प्लस का प्लस पड़ा, और 2 × 5 = 10, 10 और 6 हो जाते हैं 16। तो आपने देखा, इसे हम कहते हैं वितरकता का नियम। वितरकता का मतलब आपने वितरण शब्द सुना होगा, जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बांटना, तो ये वितरकता का गुण होता है। अब हम देखेंगे कि ये आगे किस प्रकार से होगा, इसमें क्या क्या होगा, तो हम देखते हैं। अभी हमने पूर्णांकों को लेकर देखा कि वितरकता का नियम कैसे होगा, और पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या ही होती है, आपको ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के ऊपर ये वितरकता का जो गुण है किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर मैं कोई भी 3 परिमेय संख्याएं ले लेता हूं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर ये परिमेय संख्याओं के रूप में किस प्रकार से कार्य करेगा, आइए देखते हैं। देखिए, 5/4 में एक पूर्णांक लेता हूं, और उसके गुणा में यहां पर मेरे पास पड़ा है -2/8 और इसके प्लस में यहां पर मेरे पास में पड़ा है -3/5। तो देखेंगे, सबसे पहले इसे साधारण तरीका जो है हमारा, हम उससे करके देखेंगे। अभी वितरकता का गुण लगाकर नहीं देखेंगे, वितरकता का गुण किस प्रकार से होता है मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है। अब परिमेय संख्याओं में ये किस प्रकार से होगा, पहले हम इसको साधारण तरीके से देखेंगे, फिर वितरकता के गुण के अनुसार इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये 5/4 का 5/4 पड़ा है, इंटू में पड़ा है, साथ में इंटू लगा हुआ है साथ में। अब इन दोनों का हम, चूंकि आप जानते हैं ये एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, और जो भिन्न होती है वो ऐसे ऐड नहीं होती है, उसके लिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, हर होते हैं, उनका लैसे लेना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। तो आप जानते हैं इनका एलसीएम आ जाएगा 40, 8 × 5 = 40, तो उनका एलसीएम 40 आ जाएगा। उसके बाद में 40 में 8 का भाग 5 बार गया, और उस 5 की इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 40 में 5 का भाग 8 बार गया, 5 × 8 = 40, और 8 की इस -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखेंगे 5/4 का 5/4 पड़ा है यहाँ पर, 2 × 5 = 10, प्लस माइनस माइनस, और अब 8 की 3 से गुणा करेंगे, 8 + 24,
अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास माइनस का 24। अब हम देखेंगे नीचे मेरे पास में पड़ा है 40। इन दोनों को यानी कि माइनस के 10 को और माइनस के 24 को मुझे ऐड करना है, जोड़ना है। तो आप जानते हैं वैसे भी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस तो होता है। यदि वो जोड़ में पड़ा है तो उनके चिन्हों में उनके साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये देखते हैं, ये 5/4 है इंटू में यहाँ पर 24 और 10 होते हैं 34, 24 और 10 34 होते हैं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस का जोड़ करके यहाँ माइनस का 34 हो जाएगा और बटा में मेरे पास पड़ा है 40। आप जानते हैं गुणा साधारण रूप से ही होती है। तो हम देखेंगे इस 34 के 5 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 170। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का यहाँ पर 170 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 160, 400, 4×16। तो यहाँ पर मेरे पास उत्तर आया माइनस का 170/160। ये तो साधारण तरीके से हमने किया। अब वितरकता का गुण जो है इसमें कैसे कार्य करता है, वैसे यहाँ पर एक चीज और है, आप इसको सरलतम रूप में बना सकते हैं, आप 0 से 0 इसको काट भी सकते हैं, तो माइनस का 17/16 फाइनली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब वितरकता का गुण इसमें किस प्रकार से कार्य करता है वो हम देखेंगे। देखिए यही सवाल है, इसे हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित, फिलहाल किसी इसका कोई क्रम परिवर्तन नहीं कर रहे, यही का यही सवाल है। अब हम देखेंगे ये जो 5/4 है ना, इस पूरी टर्म के गुणा में पड़ा है। तो पहले कहने का तात्पर्य यह है कि माइनस का 2/8 के भी ये गुणा में पड़ा है और माइनस का 3/5 के भी ये गुणा में पड़ा है। तो पहले इसकी गुणा जो है माइनस का 2/8 से करेंगे और उसके बाद में इसकी गुणा माइनस का 3/5 से करेंगे। तो ये देखते हैं, पहले हम 5/4 की गुणा माइनस का 2/8 से कर देते हैं। तो ये 5/4 इंटू में माइनस का 2/8, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसी 5/4 की गुणा माइनस के 3/5 से भी करेंगे। तो 5/4 की गुणा हम माइनस के 3/5 से भी करेंगे। तो हम देखेंगे अब 5 × 10, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस और 8×4 = 32, फिर प्लस 5 × 3 = 15, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा और ये 5×4 = 20। तो यानी मुझे माइनस के 10/32 में ऐड करना है माइनस का 15/20। और सबसे पहले अगर मुझे माइनस के 10/32 में जैसे ही जोड़ना है माइनस का 15/20, आप जानते हैं दोनों फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऐसे ऐड नहीं होती, पहले मुझे उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का लघुत्तम जब आप लेंगे तो लघुत्तम आएगा 160। तो हम देखेंगे इनका लघुत्तम 160 आ गया। जब 160 यहाँ पर लघुत्तम आया तो हम देखेंगे यहाँ पर 160 में 32 का भाग देंगे तो वो 5 बार जाएगा और उस 5 की गुणा इस माइनस 10 से कर देंगे। एक जब हम 160 में 32 का भाग देंगे तो वह 5 बार जाएगा और 5 की जो गुणा है हम माइनस के 10 से कर देंगे, तो माइनस के 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का साइन एज इट इज लगा हुआ है। और उसके बाद में अब 160 में हमें 20 का भाग देना है जो कि 8 बार जाएगा, 20 का भाग हम देंगे जो कि 8 बार जाएगा और 8 की गुणा माइनस के 15 से हम कर देंगे, माइनस के 15 से हम 8 की गुणा कर देंगे। तो 10×5 = 50, प्लस माइनस माइनस, माइनस का यहाँ पर 50 हो जाएगा, प्लस 15×8 = 120, तो यहाँ पर माइनस का 120 हो जाएगा, बटा में 160 मेरे पास में पड़ा है। अब देखिए इन दोनों को मैं जब ऐड करता हूँ तो ये माइनस का, ये भी माइनस का जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 170 और बटा में पड़ा है 160। उत्तर वही का वही आया, जब मैं इसको सरलतम रूप में बदलूंगा तो 0 से 0 में कैंसिल आउट कर दिया, बटा में पड़ा है 16, तो माइनस का 17/16 आया। यही क्रम विनिमयता का गुण है, यानी कि ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन पर योग की वितरकता, ये वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी मैथ्स के अंदर, जो रैशनल नंबर में परिमेय संख्याओं में उनके योग की वितरकता पर मतलब आधारित है ये। अब हम देखेंगे
उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 किस तरह से होगी, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। अब देखेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1, इसका पहला सवाल है कि उचित गुण धर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। इसने हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं, माइनस का 2/3 इंटू में प्लस का 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू में 1/6। अब इसे करना तो है लेकिन उचित गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए हमें करना है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से ये सवाल होगा। देखिए माइनस का दो बट्टा तीन यहाँ पर पड़ा है, इंटू में है यहाँ पर 3/5, तो 3/5 यहाँ पर पड़ा है। अब क्या तीन कुछ इसमें कुछ कोई भी संख्या एक जैसी है क्या? मैंने देखा कि यहाँ प्लस का 3/5 है और यहाँ माइनस का 3/5 है, तो इस माइनस के 3/5 को मैं आगे की ओर ले आता हूँ, इसका क्रम मैंने परिवर्तन कर दिया। तो जब मैंने क्रम परिवर्तन किया, देखिए माइनस के 3/5 के इंटू में क्या पड़ा था 1/6 और ये प्लस का 5/2, प्लस का 5/2। तो जब मैंने क्रम परिवर्तन किया, मैं इस माइनस के 3/5 को इस प्लस के 3/5 के पास लेकर के आया, तो मैंने देखा यहाँ पर कौन सा नियम, चूंकि मैंने क्रम परिवर्तन किया है तो ये नियम लगा यहाँ पर क्रम विनिमेयता का, ये क्रम विनिमेयता से ये मैंने किया है। उसके उपरांत उसके बाद में, अब चूंकि यहां तक हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें इस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन दिखता है क्या। मैंने देखा यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर माइनस का 3/5 है, तो मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकता हूँ। और मैं कॉमन क्या लूंगा, यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा, मैंने देखा यहाँ माइनस का 2/3 है, यहाँ माइनस का 3/5 है, इस पूरी टर्म में माइनस दो जगह पर है तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। और फिर मैंने देखा यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर भी, तो मैंने माइनस का 3/5 यहाँ पर कॉमन ले लिया। अगेन आई रिपीट के यहाँ पर मैं माइनस का 3/5 कॉमन ले लेता हूँ। और माइनस का 3/5 कॉमन लेने के बाद में देखिए कॉमन का तात्पर्य भाग ही होता है, और आप जानते हैं ब्रैकेट के बाद यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के साइन जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये माइनस का 2/3 यहाँ पर प्लस का 2/3 हो जाएगा, इंटू में माइनस के 3/5 से प्लस के 3/5 का जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर आएगा 1 और वह आएगा माइनस का। आप जानते हैं कि जैसे अगर माइनस के 2 में आप प्लस के 2 का भाग देते हैं तो आता 1 ही है, लेकिन वो आता किसका, माइनस का। उसी तरह प्लस के 3/5 में माइनस के 3/5 का जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर आया माइनस का 1। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि माइनस के 3/5 में जब हमने माइनस का 3/5 का जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर वापिस से यहाँ पर मेरे को मिला, चूंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 3/5। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माइनस के 3/5 में जब माइनस का 3/5 का हमने भाग दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 3/5 से 3/5 चला गया 1 बार, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1 और इंटू में मेरे पास पड़ा 1/6 प्लस का यहाँ पर पड़ा है मेरे पास में 5/2, यहाँ पर 5/2 मेरे पास में प्लस का पड़ा है, ये प्लस का 5/2 मेरे पास पड़ा है। अब आप देखेंगे आगे इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये माइनस का 3/5 यहां पर है, यहां पर माइनस का 3/5 है, और जब मैं इसकी गुणा गौर से देखेंगे, ये तो दोनों के दोनों ही आपस में, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो गए, कट गए, इनका रोल जो है खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2/3 और इंटू में पड़ा है 1/6, 2/3 इंटू में यहाँ पर पड़ा है 1/6 प्लस 5/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि माइनस 3/5 इस 2/3 की गुणा में भी आ गया और 1/6 की गुणा में भी आ गया, तो यहाँ पर नियम लगा वितरकता का, यहाँ पर वितरकता का नियम लगा। देखो मैंने आपको बताया था कि एक संख्या जैसे 2/3 इंटू 6 इंटू 1/6 के
गुणा में ये पड़ा है, गुणा में ये पड़ा है 2/3 प्लस 1/6, 1/6 की ये गुणा में पड़ा है मेरे पास में, क्योंकि हमने 3/5 तो हमने कैंसिल आउट कर दिया था आप जानते हैं, तो 1/6 यहाँ पर पड़ा है। तो ये 3/5 जो है इस 2/3 की गुणा में भी है और 3/5 1/6 की गुणा में भी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर नियम लगता है वितरकता का नियम, तो हम देखेंगे माइनस का 3/5 ये पड़ा है और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले चूंकि अंदर की चीज है मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 2 की 2 से गुणा हुई तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, उसके बाद में प्लस 6 में 6 का भाग 1 बार गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1, ये प्लस का 5/2 यहाँ पर पड़ा है। अब हम देखेंगे आगे ये किस प्रकार से होता है, तो देखेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म मेरी ये आई थी माइनस का 3/5 और 2 × 4 प्लस के अंदर पड़ा है 1 × 1 और बटा में मेरे पास पड़ा है 6 और यहाँ पर पड़ा है प्लस का 5/2। अब हम देखेंगे ये माइनस का 3/5 इंटू में 4 × 1 = 5 बटा में यहाँ पर 6 पड़ा है और प्लस में यहाँ पर पड़ा है 5/2। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो चुका है, कट गया, और जब ये कटेगा तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आ जाएगा और उसमें हम जोड़ेंगे 5/2 और लघुत्तम आता है यहाँ पर मेरा 2, 2 में 2 का भाग 1 बार गया और 1 की इस माइनस 1 के प्लस के 1 से गुणा हो गई, प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 5 की गुणा 1 से हो गई, तो 1 × 1 = 1 आएगा यहाँ पर, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 × 5 बटा में पड़ा है 2 प्लस माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है, तो 5 प्लस का और 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर 4 बचेगा, और बचेगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और बटा में पड़ा है मेरे पास में 2, तो 4 में जब मैंने 2 का भाग दिया तो फाइनली उत्तर आया मेरा 2, फाइनली जो मेरा उत्तर आया वो है 2। ये था 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। अब हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 1.1 का, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5 × 3/-7 − 1/6 × 3/2 प्लस का इंटू में 1/14 × 2/5। इस सवाल को सरल बनाने के लिए क्या मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, तो मैंने देखा ये 2/5 × 3/-7 यहाँ पर पड़ा है। अब मैंने क्या किया कि प्लस का 1/14 का क्रम परिवर्तन कर दिया, एक्चुअली 2/5 यहाँ पर भी है और 2/5 यहाँ पर भी है, तो हम देखेंगे, तो प्लस का 1/14 मैं ले आया यहाँ पर और उसके बाद में 1/14 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है 2/5 पड़ा है, तो इंटू 2/5 यहाँ पर, यानी इस पूरी टर्म को उठा करके मैं यहाँ पर ले आया, मैंने इसका क्रम परिवर्तन कर दिया और उसके बाद में जो मेरे पास बचा वो बचा माइनस का 1/6 × 3/2। तो इस पूरी टर्म को उठा करके मैं यहाँ पर ले आया हूँ और मैंने क्रम परिवर्तन किया, तो यहाँ पर जो नियम लगा है वो नियम लगा है क्रम विनिमेयता का नियम। अब हम देखेंगे इसको हम किस प्रकार से आगे हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि माइनस का 3/7 प्लस, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में, लेकिन ये दोनों प्लस में पड़े हैं, तो मैं इसको कोष्टक के अंतर्गत बंद कर लेता हूं। मैंने इसको कोष्टक के अंतर्गत बंद कर लिया, आप देख सकते हैं, और नहीं तो आपको एक तरीका और है, वो तरीका ये है थोड़ा और आसान बनाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
यहाँ 2/5 और इधर भी 2/5। तो स्टम में से जब मैं कॉमन लेता हूँ, स्टम में से जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कॉमन आया 2/5, और कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। 2/5 से 2/5 कट गया, एक बार कटेगा, 1 की 3/-7 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3/-7 ही आएगा, और 2/5 से 2/5 फिर से कट गया, एक बार जो कटा है, 1 की 1/14 से गुणा होगी तो यहाँ पर 1/14 ही आएगा, और इधर पड़ा है माइनस का 1/6 × 3/2। अब यहाँ पर चूंकि मैं, अब यहाँ पर देखो 2/5 जो है गुणा में है किसके, 3/-7 के प्लस 1/14 के, तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर नियम लग रहा है वितरकता का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का नियम लग रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे ये 2/5 यहाँ पर पड़ा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब दिक्कत यह है कि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ पर 3/-7 है, तो माइनस का 7 और प्लस के 14 का एलसीएम किस प्रकार से। देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर माइनस का 3/7 ऐसे लिखा, कोई भी परिमेय संख्या माइनस की इस प्रकार से लिखी हो, जैसे अभी यहाँ माइनस का 3/7 ऐसे लिखा हो अथवा ऐसे लिखा हो, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, इन तीनों का अर्थ एक ही है, अर्थ यही है कि माइनस का 3/7, मतलब ये पूरी टर्म माइनस में है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे 3/-7 है, इसे माइनस का 3/7 भी, इसे माइनस का 3/7 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आप आसानी से 7, चूंकि 7 भी अब प्लस का दिख रहा है आपको और 14 भी प्लस का दिख रहा है, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 14, और 14 में 7 का भाग 2 बार गया, और 2 की गुणा माइनस के 3 से हो गई, देखिए माइनस के 3 की गुणा 2 से हो गई, और ये प्लस का प्लस, 14 में 14 का भाग 1 बार गया, 1 × 1, और उसके बाद में माइनस का 6 × में यहाँ पर पड़ा 3/2। अब यहाँ पर देखेंगे 2/5, 3 × 6 प्लस माइनस माइनस, और प्लस 1 × 1, और बटा में मेरे पास में पड़ा है 14, या माइनस का 1/6 × में 3/2। देख लीजिए अच्छी प्रकार से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो लास्ट टर्म जो है मेरे पास में यह आई थी, तो हमने देखा यहाँ पर 2 का 1/6 और इंटू में मेरे पास में पड़ा है 3/2, ये टर्म आई थी मेरे पास में। अब हम देखते हैं आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, चूंकि ब्रैकेट के बाहर है और कोई साइन नहीं है, तो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो देखेंगे मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, 5 से 5 काट देते हैं, एक बार जाएगा, और 1 की 2 से, चूंकि 1 माइनस का हो गया, 2 से गुणा करें, अब आप 2 से आप ये भी काट सकते हैं 7 बार, तो यहाँ पर आंसर है 1 − 1/7। और यहाँ पर हम कुछ काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, आइए देखते हैं, जब हम काटेंगे तो 3 × 6, तो यहाँ पर आ गया −1/4, ये अभी आया है मेरे पास। अब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, 7 × 4 = 28 होता है, 28 इनका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, और 28 में 7 का भाग 4 बार जाएगा, और 4 की 1 से गुणा हो जाएगी, और ये माइनस का माइनस, 28 में 4 का भाग 7 बार जाएगा, और 7 की 1 से गुणा हो जाएगी, माइनस के 1 से 7 की जो है गुणा हो जाएगी, 4 × 4 प्लस माइनस माइनस का 4, और 7 × 7 माइनस का 7, बट्टा में यहाँ पर पड़ा है 28। और अब हम देखेंगे माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जब भी माइनस माइनस जोड़ते हैं तो उनके चिन्हों में, मैं वापस बता देता हूं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो माइनस का 4 और माइनस का 7 जुड़ करके हो जाएंगे माइनस का 11/28, तो यहां पर हमारा उत्तर आया माइनस का 11/28। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है, योज्य प्रतिलोम बताना है संख्याओं का, तो इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शून्य जो होता है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम होता है,
बेसिकली इसमें क्या होता है जरा गौर से देखिएगा, अगर दो परिमेय संख्या जैसे कि a बटा b पड़ा है और उसका हमसे योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है, तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का a बटा b। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। और आपको आप कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि शून्य जो है योज्य प्रतिलोम होता है, तो यहाँ पर ये योज्य प्रतिलोम कैसे? तो देखिए ये a बटा b जैसे प्लस क्या एक परिमेय संख्या है, और अगर मैं इसे जोड़ देता हूं ये इसका योज्य प्रतिलोम, यानी किसका जो रिवर्स है माइनस का a बटा b, जब इसमें जोड़ देता हूं तो प्लस का a बटा b और ये जुड़ रहा है इसमें माइनस का a बटा b, तो आप जानते हैं ये a बटा b और यहाँ पर प्लस माइनस 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 का a बटा b। अब जानते a बटा b प्लस का है, a बटा b माइनस का है, जब आपस में ये हाँ, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा और उत्तर कितना आएगा? जीरो उत्तर आएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है हमारा, देखिए मैं आपको थोड़ा तरीके से बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहला सवाल है मेरा 2/8, अगर मुझे इसका रिवर्स जो है योज्य प्रतिलोम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 2/8 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/8। इसका शुद्ध शब्दों में उत्तर कहने का यह है, मैं आपको एक करके बताता हूँ, 2/8 प्लस माइनस का 2/8 जब मैं जोड़ता हूँ तो देखेंगे आप ये 2/8 तो है ही, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस की टर्म है ये प्लस है, तो 2/8। अब 2/8 में से 2/8 जाएगा, वैसे भिन्न है तो 8 आप एलसीएम ले सकते हैं, 8 में 8 का भाग एक बार गया तो एक दुनी 2, 8 में 8 का भाग एक बार गया एक दुनी 2, 2 में से 2 चला गया 0, 0 में 8 का भाग दिया उत्तर आया 0। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम है। और जब आप परिमेय संख्या योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य है कि जो परिमेय संख्या है उसकी चिन्ह परिवर्तित परिमेय संख्या, जिससे अगर उसमें पूर्ववर्ती परिमेय संख्या यानी पहले वाली परिमेय संख्या में चिन्ह परिवर्तित की हुई परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो उत्तर 0 आ जाए, यही योज्य प्रतिलोम होता है। तो पहला सवाल तो ये था। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, वो मुझसे पूछ रहा है कि माइनस का जो 5/9 है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो माइनस का 5/9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 5/9। उसके बाद में ये मुझसे पूछ रहा है माइनस का 6/ माइनस के 5 का योज्य प्रतिलोम। तो एक्चुअली ये माइनस में दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये जो 6/5 का प्लस योज्य प्रतिलोम पूछना चाहता है असल में ये, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का 6/5, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 6/5, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी सीधा अर्थ यह है कि प्लस के 6/5 में माइनस का 6/5 अगर मैं जोड़ूंगा उत्तर आएगा मेरे पास में 0। और उसके बाद में माइनस का 19/6, क्षमा कीजिएगा ये प्लस का 19/ में माइनस का 6, तो इसका योज्य प्रतिलोम यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस का 19/6, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये था योज्य प्रतिलोम का सवाल, मतलब एक परिमेय संख्या जैसे यदि प्लस में है तो उसी का योज्य प्रतिलोम यानी वही संख्या का ऋणात्मक प्रतिरूप जो उस परिमेय संख्या में जुड़ने पर हमें 0 दे दे, तो वह परिमेय संख्या परिवर्तित हुई परिमेय संख्या पूर्ववर्ती परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अगला जो सवाल है मेरा वो मुझे ये कहता है कि यदि जो मेरा सवाल नंबर तीसरा है वो मुझे ये कहता है कि यदि एक्स बराबर 11/15 हो और एक एक्स की इसने वैल्यू दे रखी है एक्स बराबर माइनस का 13/17 हो, तो सत्यापित करें बताएं, सिद्ध कीजिए कि माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस एक्स बराबर में एक्स,
कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी यहाँ पर हमें LHS को और RHS को इक्वल सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं, पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 11/15, पहले हम ये वाला सवाल लेते हैं। तो हम x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू है 11/15, है ना, चूंकि हमने ये LHS उठाया है पहले, है ना, और ये x माइनस का है तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे और बाहर ब्रैकेट के माइनस है। और आप जानते हैं यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये अंदर वाला हो जाएगा प्लस का, यानी कि 11/15। तो आपने देखा कि LHS मेरा आया कितना, 11/15 प्लस का, और RHS में मुझे दे रखा था x, और x RHS में दे रखा था मुझे, RHS में दे रखा था राइट हैंड साइड में, LHS 11/15 है और मेरा RHS भी 11/15 है। ये पहले नंबर सवाल मैंने सॉल्व किया है, आपने देखा है। दूसरा हम देखते हैं, यदि x की वैल्यू उसने दे रखी है माइनस का 13/17, तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के इक्वल है। तो दोबारा से हम यहाँ पर LHS उठा लेते हैं। जब हमने यहाँ पर LHS उठाया तो जो मेरा LHS था वो है माइनस ब्रैकेट में माइनस का x। अब यहां जो x की वैल्यू है, देखिए यहां पर x की वैल्यू है माइनस का 13/17। ये सिर्फ x की वैल्यू है, इस माइनस को इसमें काउंट नहीं किया गया, ये x ही अपने आप में माइनस का है। देखिए माइनस का 13/17, तो ये वाला माइनस, अब तो ये वाले माइनस क्या हम बाहर रखेंगे। और आप जानते हैं, अब देखेंगे हम कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, तो माइनस के 13/17 के बाहर माइनस का निशान है तो ये परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 13/17, और इसके बाहर भी आपने देखा, इसके बाहर भी माइनस का जो है निशान पड़ा है, इसके बाहर भी माइनस का निशान पड़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/17 जो कि मेरा LHS आया है, और ये मेरा LHS है, और मेरा RHS क्या था, मेरा RHS है कितना था, H जो है मेरा RHS है ये था माइनस का 13/17। तो माइनस का 13/17 बराबर में माइनस का 13/17, ये सत्यापित तो हो चुका है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए LHS हमें दे रखा था माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस का x, ये यहां पर है। अब मैंने x की जगह x की वैल्यू रखी माइनस का 13/17, ये x की वैल्यू है, इस माइनस को यहां पर काउंट नहीं किया गया है, इस माइनस, ये चूंकि x की वैल्यू है माइनस का 13/17 है, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला माइनस हमने यहाँ काउंट किया, और बाहर भी एक माइनस पड़ा था, चूंकि तीन कंटिन्यू माइनस हो गए, तो हमने ब्रैकेट लगाया उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगाया। अब चूंकि ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर वाला हो गया प्लस का 13/17, चूंकि इसके बाद बाहर माइनस था तो ये हो गया माइनस का 13/17, ये हमारा आ गया LHS। LHS जो है RHS के इक्वल होना चाहिए, RHS है मेरा x, और यहां पर x की वैल्यू है माइनस का 13/17, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, दोनों आपस में बराबर हो गई। इसी प्रकार से ये तीसरा सवाल हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के लिए एक होता है, या एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक प्रतिलोम होता है, अर्थात जो भी परिमेय संख्या दी हुई है उसे ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे कि एक आ जाए, यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो उसमें अंश और हर का ऊपर नीचे परिवर्तन हो जाता है, जो अंश है वो हर बन जाता है, जो हर है वो अंश बन जाता है, जब हम किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। इसके अंदर चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता, केवल परिमेय संख्या के अंश व हर को परिवर्तित किया जाता है। मैं आपको एक सवाल कम्प्लीटली करके बताता हूँ, देखिएगा, और बाकी के सवाल भी कम्प्लीटली करके बताता हूँ। आइए देखिए, जैसे यह माइनस का 13/1 है और मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13, यानी कि जब मैं इसको आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास उत्तर 1 आना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य प्रतिलोम होता है,
माइनस के 13 से माइनस का 13 कट गया, एक से एक कट गया, तो उत्तर आया एक। यानी फाइनली हमें परिमेय संख्या के जो है इनवर्स है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगला है माइनस का 13/19, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हम जस्ट उल्टा कर देंगे, 19/13 हो जाएगा। तीसरा है 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 हो जाएगा। चौथा जो है सिंगल डिजिट नहीं है, आपने देखा दो परिमेय संख्या आपस में गुणा में पड़ी है, तो जो चौथा है उस पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 7 = 56, और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा 56/, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा 56/15। अर्थात अगर 15/56 की 56/15 से गुणा करेंगे तो वह एक ही हमें देगा, हमें एक ही उससे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वहां पर है माइनस का 1 × −2/5। तो पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2, प्लस का 2 आएगा, बटा में 5, और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2। ये पांचवा सवाल हो चुका। और जो छठा सवाल है बड़ा ही आसान है, देखेंगे वो माइनस 1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो माइनस के 1/1 लगा दूं और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/+1/-1 या 1/-1। तो ये चार सवाल जो है आज 1.1 के हमने देखे, साथ ही वितरकता का जो अंतिम गुणधर्म था परिमेय संख्याओं का हमने समझा। इसी तरह से बैक टू बैक आप जो है मैथ्स की क्लासेस लेते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार।